छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में सातवां स्थान हासिल करने वाली फरीन कुरैशी का छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के साथ ही सुन्नी मुस्लिम जमात ने सम्मान किया। इस मौके पर जमात की ओर से फरीन को प्रोत्साहन राशि भी दी गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाल ही में 12वीं के रिजल्ट जारी किए, जिसमें कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में रहने वाली फरीन कुरैशी ने 12वीं कक्षा में सातवां रैंक हासिल किया। फरीन कुरैशी MGM स्कूल बालको में कॉमर्स की छात्रा हैं। उन्होंने 95.60% के साथ पूरे प्रदेश में सातवां रैंक प्राप्त किया है। फरीन कुरैशी की सफलता से पूरे मुस्लिम समाज में हर्ष उल्लास का माहौल है। इस मौके पर मुस्लिम जमात की तरफ से फरीन कुरैशी को इस सफलता के लिए मुबारकबाद दी गई और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका इस्तकबाल भी किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र भी फरीन को सौंपा गया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश मुस्लिम समाज के संरक्षक और सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी इकलाक खान ने समाज की तरफ से फरीन कुरैशी को 5,000 रुपए की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर हाजी इकलाक खान ने कहा कि मुस्लिम कौम के लिए यह बड़े फख्र की बात है कि मुस्लिम समाज की बेटी ने बोर्ड की परीक्षा में कोरबा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊंचा स्थान हासिल किया है। वहीं फरीन ने बताया कि उसने सिर्फ एक विषय का ट्यूशन लिया, बाकी पूरी तैयारी उसने खुद से की। सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष इकलाक खान ने फरीन को समाज की तरफ से आश्वस्त कराया कि उसकी आगे की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, मुस्लिम समाज उसके सहयोग के लिए तत्पर है। इस अवसर पर सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के सरपरस्त कारी शब्बीर अहमद अशरफी, सेक्रेटरी जुम्मन खान रिजवी, पत्रकार समी इमाम, इशाक रिजवी, शफी अहमद, बरकत खान, अब्दुल मजीद ताज, सैयद अशफाक अली और आदि उपस्थित थे। DNX TV के लिए कोरबा से दयाशंकर तिवारी की रिपोर्ट। आपको सम्मानित किया गया, समाज की तरफ से क्या लग रहा है, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई कि मुस्लिम समाज की तरफ से मुझे इतना सम्मान मिला है, इतने सारे प्राइजेस दिए गए हैं और 5,000 का कैश मुझे दिया गया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुस्लिम समाज वाले मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे क्या लक्ष्य है आपका? मुझे आगे चलकर PSC की तैयारी करनी है। ये बताइए कि अभी मुस्लिम समाज की तरफ से किस किस संगठन की तरफ से दिया गया और क्या क्या दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं तो फरीन बच्ची को सुन्नी मुस्लिम जमात मुस्लिम समाज छत्तीसगढ़ के तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे मुस्लिम कौम के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि लोगों ने पहले से जो मुस्लिम कौम के ऊपर एक दाग लगा हुआ था कि मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियाँ जो है एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, आज वो चीज़ें को ख़त्म करते हुए हमारी फरीन बेटी ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और इससे लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ के मुसलमान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ख़ास करके एक गरीब परिवार की बच्ची, और जो अभी हमने उससे जानकारी लिया, उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ती थी, बाकी अपने तरफ तैयारी की। और साथ में आपको बता दूँ कि जहाँ पर उनका मकान है उस बगल में टर्बाइन की आवाज़ हमेशा आती है, उसके बाद भी बच्ची अगर कोरबा जिले में पहला स्थान पाई है तो हमारे सभी के लिए बहुत फख्र की बात है। और इसी सिलसिले में आज हमारे मुस्लिम समाज के सरपरस्त कारी साहब बरकत खान, अब्दुल मजीद खान और इशाक बाबा भाई, हम सभी लोग आए और आके ये बच्ची का हौसला अफजाई किए, साथ साथ उसको ये अपने मुस्लिम समाज की तरफ से उनको आश्वस्त कराए कि आपके एजुकेशन में किसी तरह कोई कमी नहीं आएगी, अगर कमी आएगी तो उसके लिए मुस्लिम समाज हमेशा आपके सहयोग देने के लिए तत्पर है। और ये बच्ची को मैं बोला और उसके लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ कि बच्ची आगे बढ़े, हम सब की दुआएं उसके साथ है। खास करके उसके माँ बाप को भी मैं दुआ देता हूँ कि आज के इस दौर में उन्होंने अपनी बच्ची को एजुकेशन में जिस तरह से आगे बढ़ाया है उसके लिए भी हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से उनके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद।